ये इतना सा बर्फ है, और जितनी ज़्यादा आपको वाइट वाइट दिख रहा है सिर्फ ये बर्फ आपको दिखेगा। एंड यहाँ का व्यू गाइस बहुत ही अल्टीमेट है। गाइस हम लोग हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर, बहुत ही ज़्यादा हाइट पर, और हमारे ऊपर मतलब पहाड़ी ख़त्म, मतलब आप देख सकते हो पीछे, ये देख रहे हो माउंटेन ही ख़त्म हो गया, हम बिल्कुल एंड टॉप पॉइंट पर आ गए। यहाँ पे पार्क है, इको पार्क, बट हम खुली है, बट हम जा नहीं रहे यहाँ पे इसको विजिट करने के लिए। बहुत ही अच्छा पार्क है ब्रदर, हमने रात को ना ये जगह आना चाहिए, ये थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए ना, ये हमें आए नहीं, हमें लगा वहाँ पे एंड है, क्योंकि वहाँ दिख ऐसा रहा था कि वो एंड हो गया, उसके बाद कुछ है नहीं वहाँ से, बट यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। ज़्यादा ऊपर, बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो हर और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ हम तीन राइडर्स, हम तीन बाइकर ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे फ्रेंड हिमांशु एंड मोनिका, तो जॉय गुप्ता राइडर सबसे आगे चलते हुए हमें लीड करते हुए। ओहो क्या अलग ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भाई अलग ही, अलग 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 ही लेवल है भाई। हमने आज हमें दिल्ली निकलना था, बट हमने चेंज कर दिया अपना प्लान, हम जा रहे हैं आगे, एक जगह है बहुत ही प्यारी जगह, तो हम पहले वहाँ पे जा रहे हैं, पहले बीच में इनकी डेस्टिनेशन है, फिर हमारी डेस्टिनेशन आगे है और 50 किलोमीटर। वादियाँ हैं यार, मतलब देख रहे हो क्या ग्रीनरी है, मतलब प्रकृति का एहसास होता है हमें यहाँ आकर उनके पास। वाह 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 वाह, इतनी खुशी मिलती है ना यहाँ पे आके, मतलब ऐसा लग रहा है बस यार यहाँ पे घूमते रहो, पहाड़ों को एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि भाई लाइफ है, एक ही लाइफ है हमारे पास, तो हमें घूमना चाहिए, मतलब कि आना चाहिए कि ऊपर वाले ने इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, उसको भी घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ओहो अच्छा, किसी गाड़ी में यहाँ पे आग लगी हुई है, लगी थी तो बंद हो गई, बट और बहुत ऊपर जाते हुए हाइट पे यार, घर जो है ना यहाँ के बहुत अलग है, वो देख लो सामने, सामने देख लो गाइस क्या घर है भाई, मतलब ठंड में देख रहे हो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मतलब मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो ट्रिप कर रहे हैं, तो बहुत लोग हैं यहाँ पे आए हुए, और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी रिजॉर्ट वगैरह है, खुद भी खाल ऐसी कुछ जगह का नाम था, चंबा 22 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं, ये है शायद मंदिर ऊपर की तरफ, और हम उसी वे में है, चलिए अगर ऊपर कुछ होता है, कुछ सीन कुछ मिलता है, हम आपको ऊपर की वीडियो दिखाते हैं, और ये पूरा मार्केट है यहाँ पे, पूरा हर चीज़ आपको कुछ भी मिल जाएगा, ज़्यादातर गर्ल्स का ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बैंगल्स वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे। करते हैं यहाँ पे पार्क, थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लोर और। गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर मंदिर है यहाँ पे सुरकंडा का, सुरकंडा का ब्रदर सुजॉय और मैं पहाड़ी भाई, पहाड़ी भाई हमारा हिमांशु भाई, पहाड़ी लड़की मानिका, इसने ही हमारी हालत खराब कर रखी है, बहुत ज्यादा मतलब खुद तो भगे जा रही है, कुछ सामान नहीं, हमारे पास सामान है और हम पीछे पीछे आराम से आ रहे हैं, मतलब भैया गलत बात है ये, गलत बात नहीं है, सही बात बोल रहा हूँ मैं, भागे जा रही है, कुछ भाई वीडियो भी नहीं बना रही हमारी। हाँ मोनिका, क्या नाम है मोनिका, नया नाम आ गया भाई, चलो आगे चलते हैं आगे। अरे उनको भेजा हमें लेने के लिए, आ जाओ आ जाओ,
अरे जल्दी आओ यार, थक हो। ऊपर लिखा हुआ सुपर ड्राई स्पोर्ट्स, देखने जा लेकिन स्पोर्ट्स। चलो भाई बंदर के हाथ नहीं है गाइस, और ये फिर भी मतलब यहाँ पे घूम रहा है, और ये अपने भाई लोग ऊपर जा रहे हैं। एकदम रिस्पेक्ट दे रखी है, रिस्पेक्ट दे रखी है। देखो इतनी रिस्पेक्ट तो इतनी फोटो को नहीं मिलती, फोन पे को दे दी इन्होंने। पूरा बड़ा स्कैनर लगा रखा, फोटो फ्रेम कर रही है, वो भी फोटो फ्रेम के साथ। एक अलग ही एडवेंचर कर रहे हैं, मतलब हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था, हमें करना है। बट ट्रैकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऊपर मंदिर है तो कुछ भाई लोग मिल के जा रहे हैं, हिमांशु एंड मोनिका। सो इन लोगों ने बोला कि चलो आपको एक जगह लेके चलते हैं और एक नई एक्सप्लोर कराते हैं। मैं तो आ रहा हूँ, भाई हालत ख़राब हो रही है, वो पीछे रुक रुक के आ रहा हूँ। चलते हैं उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि देख ही नहीं है। और ये भाई साहब बढ़ के भागते हैं, ये देखो सामने से एक और आ रहा है, भागा जा रहा है। चलो चलते हैं ऊपर, थोड़ी दूर और रह गया और आगे चीज़ को करते हैं एक्सप्लोर। आप देख रहे हो मतलब कई किलोमीटर से हम चल के आ रहे हैं ऊपर और थक चुके हैं, और ये दोनों भागे जा रहे हैं ऊपर। चलो मिलते हैं और सीधा ऊपर, और वापस जब आएंगे ना आपको गाइस ये वाला व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे व्लॉग करेंगे और मिलते हैं ऊपर और सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। बाय। फाइनली गाइस मिल गई हमें यहाँ पे स्नो यार, मतलब इंतजार था ना वो चीज़ देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे मिल चुकी है, और बहुत ही अलग ही मज़ा है यहाँ पे। मतलब कि यार हम ढूंढ रहे थे धनौल्टी में, पर धनौल्टी में तो नहीं मिला। हिमांशु कौन सी जगह है, हिमांशु जगह कौन सी है? सुरकंडा देवी एक मंदिर है, उसके ऊपर टॉप पे पहुँचे तो हमें स्नो वहाँ पे जाके मिली है। एंड मतलब भाई साहब देख रहे हो अलग ही मजा आ रहा है। अब लग रहा है कुछ अलग ही लेवल की चाल, अब लग रहा है कुछ एडवेंचर अलग में ट्विस्ट आया सच में। ये ट्विस्ट मिस कर रहे थे हम लोग, और ये अब मिल गए और चलते हैं यहाँ से नीचे, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। चलो मिलते हैं नीचे यहाँ पे। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं, अपने उस माउंटेन को छोड़ चुके हैं और जा रहे हैं हम अपनी नई डेस्टिनेशन पे। एंड दोनों बाइकर्स अपने हैं, जॉय एंड हिमांशु, दोनों साथ में जा रहे हैं। हिमांशु लोग पहले कह रहे थे हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, पर हमने बोला नहीं साथ में चलो हमारे, ठीक है साथ में चलते हैं आगे, फुल मस्ती इंजॉय करेंगे। और वहाँ से तुम लोग हरिद्वार निकल जाना, हम लोग भी रास्ते में पड़ेगा, एंड देन तो उससे हम आगे दिल्ली निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सब प्लान किया, तो अभी ये लोग हमारे साथ हैं और फुल मस्ती फुल इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और आप देख रहे हो क्या मज़ा आ रहा है, क्या लीन करके बाइक चला रहे हैं माउंटेन्स पे, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया ना चला के। मतलब मेरा सेकंड टाइम है मैं माउंटेन्स पर बाइक चला रहा हूँ, बट भाई साहब बहुत अल्टीमेट वाला वेदर हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा फन और मस्ती कर रहे हैं भाई। धूप तो है ही नहीं कहीं भी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर एक डैम है, यहाँ का फेमस डैम है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं।
डैम देखने के लिए, झील एक तरीके की वो, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ के बाद हम निकलेंगे सीधा देहरादून, और शायद मेरी फ्रेंड निकी वहाँ पे मिलेगी, एंड शायद हम कुछ और फ्रेंड्स लोगों से मिले वहाँ पर। तो चलते हैं सीधा, और राइड के ना अलग ही मजे हैं। बच्चे अपने फोन करते हुए, लोकल बच्चे हैं यहाँ के, लोकल रहने वाले,